गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल रिया ऑफिशियल अकाउंट में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो कमेंट करना, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये फ़िलहाल ये मॉर्निंग का टाइम है और हम इधर नहा धो के आ गए थे रूम में। आज मतलब रूम की साफ़ सफाई करनी थी, क्लीन करनी था क्योंकि बहुत दिन हो गया था। मतलब ऐसे ही मतलब हम तो रोज़ झाड़ू मारते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, फिर भी अच्छे से नहीं करते थे। और इसमें बाबू इतना परेशान भी कर रहा था कि छोटा छोटा जो भी कपड़ा वपड़ा रहता है सारा कचड़ा ला कर अलमारी के पीछे सिंगरदान के पीछे ऐसे मतलब पूरा फेंक देता था। तो अजीब से जो मतलब अजीब से मतलब किरौने जो हैं वो उड़ रहे थे मधुमक्खी जैसे। तो सोचे आज फ़िलहाल किचन में उतना काम था नहीं, तो सोचे पहले आज रूम की मतलब साफ़ सफाई कर लेते हैं, इसके बाद तब चलेंगे किचन में। क्योंकि किचन में सिर्फ कुछ ही मतलब सुबह सुबह नाश्ता बना लिए थे और नाश्ता बनाने के बाद जस्ट मतलब रह गया था डिनर, क्योंकि नाश्ता सब लोग पहले ही कर चुके थे। तो अभी रूम की सफाई हमको सोचे इतना टाइम मिला है तो रूम की सफाई अच्छे से कर लिया जाए। तो इधर रूम की सफाई हो चुकी है क्योंकि सिर्फ सिंगारदान और अलमारी पोछ रहा था और सारा जो बिस्तरा उस्तरा था उसको सही से करके रख दिए थे। और अभी जस्ट बाबू आ गया था और फिर वो शरारत करना चालू कर दिया। इधर सफाई हो चुकी थी, आ गए थे, हमको उड़द दाल की कचौड़ी बनाना था तो मम्मी भिगो दी थी और फूल गया था, वो अच्छे से धुल के रख दिए थे। तो अभी चलते हैं सिलबट्टे पीसेंगे क्योंकि मिक्सर जार मेरा थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया है, सही नहीं चल रहा है और डर भी लग रहा था क्योंकि ख़राब है और कभी न कभी दुर्घटना हो जाती है। तो वैसे मैंने सिलबट्टे पर पीसा और सिलबट्टे पर अच्छे से पीसी मतलब पीस लेते हैं और मिक्सर जार में थोड़ा सा टाइम लगता है। इधर मेरा मतलब उड़द दाल का पेस्ट हम बना के मतलब रख दिए थे और इसमें लहसुन मिर्चा भी पेस्ट दिए थे साथ में ही। और इधर कढ़ाई रख दिए हैं, कढ़ाई थोड़ा सा गर्म था क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं डाला था तो कढ़ाई गर्म हो गया था। इसमें थोड़ा सा डाल दिए तेल लगभग 2-3 चम्मच, उसमें थोड़ा सा डाल दिए हैं जीरा, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऐड करेंगे हींग। हींग डालने के बाद डालेंगे थोड़ा सा हम गर्म मसाला और डालेंगे इसमें जीर धनिया और इसके बाद हल्दी थोड़ा सा डालेंगे और इसके बाद जो उड़द का दाल का पेस्ट बनाए हैं फिर इसमें मिक्स कर देंगे हम। और आप नमक अपने अनुसार डाल ही सकते हैं। फर्स्ट बार ये मतलब कचौड़ी बना रहे थे क्योंकि हम ससुराल में जल्दी नहीं बनाए थे ना। ससुराल में तो हम कभी काल बनाते हैं, कभी काल नहीं, महीने में तो बन ही जाता है, फरा वरा बन जाता है, रिक्वेस्ट भी बन जाता है, बड़ा भी बन जाता है। तो मायके में तो बिल्कुल भी नहीं ये सब बनाए थे, मेरी मम्मी और भाभी बनाती थी। तो कभी कभी होता है ना दिक्कत होने लगता है तो सोच के मतलब बना क्या पड़ता है क्या नहीं। हमारे यहाँ तो मायके में कोई भी मतलब उड़द दाल का कोई भी चीज़ भी चाहे जो भी हो कोई नहीं खाता, भाई लोग भी नहीं खाते, मम्मी तो मेरी पुराने ख्याल के हैं तो खा लेती हैं, मेरी भाभी लोग भी नहीं खाती हैं। तो इधर मेरा पेस्ट रेडी हो गया था और चलते हैं कचौड़ी की तैयारी करते हैं हम। तैयार हो गया था कचौड़ी का जो था मसाला और उसको रख दिए थे साइड पे ठंडा होने के लिए। और इधर आटा गूंथेंगे, थोड़ा सा रिफाइंड तेल डालेंगे और अजवाइन जो सी मतलब खस्ता जैसे टाइप से बनता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इधर मेरा आटा भी गूंथ लिए थे और 10-15 मिनट के लिए रख दिए थे कि मतलब अच्छे से
मिस्ट हो जाए। जब मेरा कढ़ाई लाल हो गया था, तेल भी लाल हो गया था, और सोच रहे थे कैसे बनाए। कभी कभी होता है ना फट जाता है, कचौड़ी का पेस्ट होता है ना, तो कभी कभी गीला टाइम में होता है ना तो कचौड़ी फटने लगता है। तो ये पेस्ट एकदम सूखा था और मेरा आटा भी तो मीडियम में था, तो हाथ से ही हमने बनाया। और बेले हल्का सा बेलेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हाथ से मेरी मम्मी बनाती हैं, हम मायके में देखे थे, तो अभी फ़िलहाल हम भी ट्राई कर रहे हैं। तो फटा नहीं है, और अभी छानने के बाद पता चलेगा कब फटेगा कि नहीं। तो इधर मेरा तेल गर्म था और इसमें डालते हैं कचौड़ी हम। तो फिलहाल मेरा एक कचौड़ी हो गया था, अच्छे से फूल गया था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फर्स्ट टाइम बनाए, और कचौड़ी तो हम जल्दी नहीं बनाते हैं, और दाल की जो भी कुछ होता है बनाते हैं, पर कचौड़ी नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी सासू माँ का आज मन था। हमके अलावा उनको ये सब अच्छा लगता है, क्योंकि वो पहले जैसे मेरी मम्मी है वैसे वो भी हैं, उनको ये सब अच्छा लगता है, जो कि पुराने ज़माने के जो वो लोग हैं ना वो खाते हैं। तो अभी हम लोग फ़िलहाल हमारे घर में ये हस्बैंड मेरा तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इधर कचौड़ी हो गया और चलते हैं, फ़िलहाल मम्मी को निकालेंगे। कभी कभी सोचना पड़ जाता है क्या बनाए क्या नहीं, तो दिक्कत होने लगता है। तो कभी कभी मम्मी भी बता देती है ये बनाओ, तो मेरा काम और आसान हो जाता है। तो इधर मेरा हो गया, चलते पहले मम्मी को निकाल के दे देते हैं, फिर जो थोड़ा सा बचा है उसको भी छान के हम रख देंगे, दोपहर या शाम को खा लेंगे सब लोग, क्योंकि जो किधर मम्मी का खाना निकल गए और उसको एक कचौड़ी और ले लेते हैं अच्छे से, तो लेके चलो। चलते हैं मम्मी को खाना दिखाएंगे। कचौड़ी छान लेते, और तेल मेरे हाथ पे गिर गया था, अब जो उंगली देख रहे हैं, और गर्म तेल ये मतलब कचौड़ी छटक के हाथ पे ही आ गया था और जल भी गए थे थोड़ा सा। तो वहीं से ब्लॉगिंग हम बंद कर दिए थे, फिर लास्ट में थोड़ा सा बचा था उसको, तब ठंडा हो गया हाथ, फिर आए हम कचौड़ी छाने। नाइट का समय है और इधर पनीर पराठा है, सब्जी है, चटनी है और केचप है, जो कि केचप से हमको अच्छा लगता है। तो सुबह ब्लॉगिंग कमेंट नहीं किए थे और ऐसे ही मतलब थोड़ा सा घर में दिक्कत हो गया तो हम ब्लॉग नहीं किए शूट। तो अभी फ़िलहाल खा रहे हैं और ये आ गए हैं, और अन्ना भी अभी खाना है। तो चलो ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। फिर न्यू ब्लॉग के साथ ऐसे प्यार वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।